उसके बाद जो है यहाँ से आपको परमिशन मांगेगा कैमरा का। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो है ये पॉपुलर है फिल्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग फिल्टर्स है, तो अगर इन फिल्टर्स को यूज़ करना है तो आपको इस परमिशन को देना होगा। हाय गाइस, स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं हाउ टू क्रिएट स्नैपचैट अकाउंट, यानी स्नैपचैट में अकाउंट कैसे बनाएं। देखो अगर आपको कोई फ्रेंड है, फैमिली है, रिलेटिव है, किसी के पास भी जो है स्नैपचैट अकाउंट है और आप भी चाहते हैं कि आपका खुद का जो है कि स्नैपचैट अकाउंट हो, तो कैसे बनाएंगे, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि किस तरीके से जो है आप अपना खुद का एक स्नैपचैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और समझते हैं पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपके फोन में स्नैपचैट नहीं है तो सिंपली से आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो एंड इसको ओपन कर दो। और देखो यहां पे ये जो है ओपन हो रहा है, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे जो है आपको दो ऑप्शन दिख रहा है, पहला जो है साइन इन का और दूसरा है साइन अप का। तो बेसिकली हम जो है यहां पे नया अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, तो सिंपली से यहां पे क्लिक करेंगे साइन अप पे। एंड देखो यहां पे जो है गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन आ रहा है और यहां पे जो है कुछ परमिशन आपसे जो है मांगा जाएगा। तो बेसिकली यहां पे जो है मोटा मोटा आपसे चार परमिशन मांगा जाएगा, पहला जो है कॉन्टेक्ट का, दूसरा जो है कॉल लॉक्स का, और तीसरा कैमरा का, और चौथा जो है स्टोरेज का। तो जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उस परमिशन को जो है अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अब जो है यहां पे इसको कंटिन्यू कर दो। ओके, अब देखो यहां पे जो है आपसे नाम डालने को कह रहा है, अपना फर्स्ट नेम एंड यहां पे लास्ट नेम, तो नाम को यहां पे डाल दो एंड नीचे में जो है साइन अप एंड एक्सेप्ट पे जो है क्लिक कर दो। उसके बाद जो है अब आपको डेट ऑफ बर्थ डालने को कहा जाएगा, तो यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दो, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपली से यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। एंड देखो यहाँ पे जो है अब आपका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट जो है शो करने लग गया है। अगर ये यूज़र नेम आपको सही लगता है तो ठीक है, अगर आपको चेंज करना है तो सिंपली से यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है चेंज माय यूज़र नेम, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं। उसके बाद जो है नीचे कुछ यूज़र नेम आपको सजेस्ट किया जाएगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है आप जो भी यूज़र नेम ले लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। उसके बाद जब यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो अब जो है आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है ना। तो इस अकाउंट का आप अपना पासवर्ड रख लो, कोई अच्छा सा पासवर्ड। उसके बाद जो है सिंपली से यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। जब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है ना। तो 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डाल दो एंड उसके बाद जो यहाँ पे कंटिन्यू कर दो। उसके बाद जो अभी आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पे जो है एक OTP आएगा जो कि बेसिकली 6 डिजिट का होता है ना। तो उस OTP को आप सिंपली से यहाँ पे डाल दो। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है और अब जो यहाँ पे हमें जो है कुछ फ्रेंड लिस्ट जो है यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है। तो देखो जिसको भी यहाँ पे मुझे अगर फ्रेंड बनाना है तो सिंपली से यहाँ पे ऐड फ्रेंड पे क्लिक करोगे तो उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट चला जाएगा और उसके बाद जो सामने वाला इस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा तो आपको आपके जो फ्रेंड लिस्ट में जो है वो बंदा शो होने लग जाएगा, है ना। बट मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे स्किप कर दो। उसके बाद जो है यहाँ से आपको परमिशन मांगेगा कैमरा का। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो है ये पॉपुलर है फिल्टर के लिए, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग फिल्टर्स है, तो अगर इन फिल्टर्स को यूज़ करना है तो आपको इस परमिशन को देना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है और यहाँ पे देखो नीचे में पांच आपको सेक्शंस दिख रहा है, पहला है मैप का, दूसरा चैट का, तीसरा है आपको कैमरा का, चौथा है स्टोरी का और पांचवा जो है स्पॉटलाइट का। तो इन सभी के अंदर आप जाके एक बार चेकआउट कर लो कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपको पसंद आए तो वो मुझे कमेंट करके बताना जरूर कि कौन सा सेक्शन आपको काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। और यहाँ पे चैट के अंदर जाकर किसी के साथ भी जो है आप चैट कर सकते हैं, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल और भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। तो इंजॉय करो अपने इस अकाउंट को एंड आई होप कि अब जो है आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि अब जो है आपका भी अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सजेशन है, फिर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर देना, 100% ट्राई करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। और अगर आपका कोई जेन्युइन सवाल हुआ तो आपके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। आपके लिए यहां पे दो वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जो भी आपको जानना है उस पर क्लिक करो एंड
एंजॉय करो।